नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। प्रिय ग्राहक, आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। कृपया अपना केवाईसी दोबारा अपडेट करा लें और इसके लिए यहां पर क्लिक करें। लकी ड्रॉ में आपने कार जीती है, अपना बैंक अकाउंट नंबर बताएं। इस तरह के कई मैसेज आपको लगभग हर दिन आते होंगे। ये सब हम क्यों पूछ रहे हैं, ये भी जान लीजिए। देश की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने एक एडवाइजरी जारी की है। भारत में एक नए तरीके का फिशिंग अटैक शुरू हुआ है, जिसे लेकर कस्टमर को आगाह किया गया है। ये नए तरीके का फ्रॉड इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के नाम पर हो रहा है। इस बात का खुलासा देश की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने किया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने फिशिंग अटैक की सूचना दी है। एजेंसी ने साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सीआरटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कैमर एनजी रॉक प्लेटफॉर्म पर फिशिंग वेबसाइट डाल रहे हैं, जिससे लोगों की पर्सनल जानकारी चुराई जा सके। फिशिंग के जरिए लोगों की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल नंबर और ओटीपी की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बाद बैंक के खातों से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत में बैंक कस्टमर एक नए तरीके के फिशिंग अटैक का शिकार हो रहे हैं। वेबसाइट पर भारतीय बैंकों के इंटरनेट पोर्टल चलाए जा रहे हैं, ताकि उस पर फिशिंग वेबसाइट को ऑपरेट किया जा सके। इसके साथ ही धोखाधड़ी के तरीके के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें उन देशों के नाम का खुलासा किया गया था, जिन पर फिशिंग अटैक सबसे ज्यादा हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत फिशिंग अटैक के मामले में तीसरे स्थान पर है। वहीं इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर यूएसए और दूसरे नंबर पर रशिया है। तो आखिर फिशिंग अटैक क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर किसी मछली को फंसाने की बात हो रही है, लेकिन इस फिशिंग का मतलब है ऑनलाइन जालसाजी। फिशिंग में भी लोग चारा फेंक कर मछली पकड़ते हैं, लेकिन फिशिंग अटैक में मछली हम आप जैसे आम ही लोग हैं। हैकर कोई चारा फेंकते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं। और वो चारा होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ईमेल आता है। जो ईमेल मैसेज आपको आता है, वो ऐसा लगता है किसी ट्रस्टेड कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर या फिर आपको बैंक से भेजा गया है, जिसे देखकर आपको लगता है कि आपके काम का है और मजबूरन आप उस ईमेल पर एक्शन लेने लगते हैं। ईमेल पर कुछ ऐसा लिखा होता है जो आपको आकर्षित कर लेता है। जैसे ईमेल पर लिखा है कि आपको कोई नया ऑफर मिला है, आपके फोन की सिक्योरिटी अपडेट की गई है, इसीलिए आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर कंपनी आपके अकाउंट पर कोई एक्टिविटी नोटिस कर रही है, या फिर ये भी लिखा हो सकता है कि आपके इस लिंक पर क्लिक करके लॉगिन कीजिए, सिस्टम को वेरीफाई किया जा रहा है। ऐसी कोई ईमेल आने के बाद हम और आप जैसा कोई नॉर्मल यूजर करता क्या है, वो इस ईमेल को सीरियसली लेता है और ईमेल पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद फेक वेबसाइट पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो उस वेबसाइट पर लॉगिन करने की कोशिश करता है। यहाँ पर कोई ऑफर या फिर ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन जो आपने इसमें आईडी और पासवर्ड डाला था, वो हैकर के पास पहुंच जाता है और यूजर फिशिंग अटैक का शिकार हो जाता है। फिशिंग क्या है, ये तो अब आप जान गए होंगे। अब आपको बताते हैं कि फिशिंग अटैक से कैसे बचा जा सकता है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आप अपने ईमेल बॉक्स में ईमेल आने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप अनजान लिंक पर क्लिक करने से खुद को रोक सकते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट में जाएं, तो आपको एक बार उसके यूआरएल को चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार वेबसाइट की स्पेलिंग गलत होती है या फिर वेबसाइट लिंक रियल ना होकर अजीब सा होता है। तो इस बात का ध्यान रखकर आप ऑनलाइन फिशिंग से बच सकते हैं। फिशिंग अटैक एक अपराध माना जाता है और इसका उपयोग यूजर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि पहचान, यूजर नेम, पासवर्ड, बैंक खाते की जानकारी, क्रेडिट कार्ड नंबर, नेट बैंकिंग के यूजर नेम या फिर पासवर्ड, सोशल मीडिया के पासवर्ड को चुराने में किया जाता है। तो ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।